नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड उप निरीक्षक यानी SI के लिए हमारी यहाँ पे हिंदी व्याकरण की सीरीज चल रही है और अब तक मैं इसमें आपको 13 लेक्चर कंप्लीट करा चुका हूँ। आज मैं यहाँ पे 14वें लेक्चर में वचन हिंदी में वचन को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं, एकवचन, बहुवचन, इनके आपको पहचान कैसे करनी है, इनके बारे में हम डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके नोट्स और MCQ दोस्तों आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे जो भी दोस्तों टॉपिक कंप्लीट हो रहा है तो उसके नोट्स PDF में एक बार जरूर देख लें, जो इसके नोट्स हैं जिसका लिंक मैंने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और साथ साथ इसके MCQ भी जरूर देखें। MCQ आप जितने अधिक करना चाहते हो उतने आपको सॉल्व करने हैं, इसलिए आपके लिए मॉडल पेपर भी बनाए गए हैं SI के लिए, 10 मॉडल पेपर 100-100 नंबर के, जिनका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। तो सबसे पहले देखो, वचन किसे कहते हैं। वचन का मतलब है संख्या से, जिससे हमें संख्या का बोध होता है, हमें एक या अधिक संख्या का बोध होता है उसे कहा जाता है वचन। अगर हम परिभाषा की बात करें तो शब्द के जिस रूप से हमें एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं दोस्तों, वचन कहते हैं। अब वो व्यक्ति की संख्या हो सकती है, वो वस्तु की संख्या हो सकती है, एक व्यक्ति हो सकता है, बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं। तो जिन शब्दों से हमें ये जानकारी मिलती है व्यक्ति या वस्तु की संख्या की वो एक है या अधिक है, तो उन शब्दों को कहा जाता है वचन। हिंदी व्याकरण में वचन के दो भेद हैं, एकवचन और बहुवचन। एकवचन का मतलब क्या है, जिसमें जिससे हमें संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का बोध होता है, एकवचन यानी वो एक है केवल, तो जिससे हमें एक होने का बोध हो रहा है यानी वो केवल एक संख्या है या वो एक व्यक्ति है या एक वस्तु है, तो शब्द के जिस रूप से हमें एक का बोध होता है उसे एकवचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से हमें बहुत यानी जो अधिक एक से अधिक संख्या है या एक से अधिक व्यक्ति है या एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे कहा जाता है बहुवचन। अब जैसे यहां पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, लड़की खेलती है, तो यहां पे लड़की क्या है, एकवचन है, क्योंकि एक लड़की खेलती है, और यहां पे मैंने लिख दिया लड़कियां खेलती हैं, तो लड़कियां का मतलब यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी मतलब एक से अधिक लड़कियां हैं, तो यहां पे हैं एक से अधिक और यहां पे हैं केवल एक, तो यहां पे लड़की हो जाएगा एकवचन और यहां पे लड़कियां हो जाएगा बहुवचन। ठीक है दोस्तों, तो ये तो वचन के भेद थे, ये नॉर्मल था। अब बात आती है सबसे बड़ा जो सवाल बनता है एग्जाम में, वो बनता है कि आपको पहचान किस प्रकार से करनी है एकवचन की, और फिर हम बात करेंगे कि बहुवचन की पहचान आपको कैसे करनी है। तो पहले अभी ध्यान दीजिए, एकवचन की पहचान आपको कैसे करनी है। तो जितने भी द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग, जो द्रव्य सूचक संज्ञाएं होती हैं, संज्ञा मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो द्रव्य सूचक संज्ञाएं जितने भी होती हैं उनका प्रयोग सदैव एकवचन में ही होता है। अब द्रव्य सूचक संज्ञाएं कौन हुई, जिसके अंतर्गत द्रव्य आते हैं, जैसे तेल हो गया, घी हो गया, दूध दही, यह है द्रव्य। ठीक है, द्रव्य यानी लिक्विड, तो तेल क्या है, लिक्विड है, घी हो गया, दूध दही, ये सारे के सारे क्या है, जिससे हमें ये जानकारी मिल रही कि ये सारे के सारे लिक्विड हैं, द्रव्य हैं, तो ये द्रव्य सूचक शब्द हैं और ये संज्ञा है। तो द्रव्य सूचक संज्ञा का प्रयोग सदैव किसमें होता है दोस्तों, एक वचन में होगा। ठीक है, तो तेल हो गया, घी हो गया, दूध दही, ये सारे के सारे क्या हैं, एक वचन के उदाहरण है। दूसरा पॉइंट आपको क्या नोट करना है, धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं, यानी जो धातुएं, जो मतलब जो संज्ञाएं, जो जातिवाचक संज्ञाएं धातुओं का बोध कराती हैं वो भी किस में आती है, उनका वचन भी कौन होता है, तो उनका वचन भी एक वचन होता है। जैसे सोना हो गया, ये धातु है और ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद आपका चांदी हो गया, चांदी सस्ती है। उसके बाद आपका क्या हो गया, पीतल हो गया, ये सारे के सारे किस्में हैं, ये भी एक वचन के अंतर्गत ही आते हैं। तो सभी धातुएं
जो जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं वो क्या है आपके एकवचन के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग भी एकवचन में होता है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, जैसे क्या है मैंने लिख दिया जनता, तो जनता क्या है एकवचन है या बहुवचन है। तो अगर प्रैक्टिकली देखें तो जनता यानी वहां पे बहुत सारे लोग होंगे उनको हम जनता कहते हैं, वो एक समूह है, उस प्रकार से वो बहुवचन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों समूहवाचक संज्ञा जो होती है जैसे जनता हो गया, या जनता के बाद जैसे आर्मी हो गई, या जनता के बाद और क्या हो गया टोली हो गई, इनका प्रयोग किसमें होता है एकवचन में होता है। तो जनता अगर शब्द आता है कि जनता किस प्रकार का वचन है एकवचन है या बहुवचन है, तो जनता हमेशा क्या होता है एकवचन ही होता है। जैसे इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे मतलब वो एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जनता यानी उसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे। लेकिन जो जनता शब्द है यहाँ पे वो सदैव एकवचन के रूप में ही प्रयोग होता है। तो ये वाला पॉइंट आपको नोट करना है, समूहवाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण है उनका प्रयोग भी एकवचन में ही किया जाता है। उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये तो खैर सदैव एकवचन में ही होती है क्योंकि व्यक्ति हमेशा एक ही होता है। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी कि समूहवाचक में है तो वो समूह है, लेकिन दोस्तों समूह एक ही होता है जनता। अब जनता में देखो लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो समूह है समूह का बोध हो रहा हमें, मतलब हमें उससे सिर्फ जनता का बोध हो रहा है, वो समूहवाचक है जो मतलब जनता का एक समूह है। तो एक ही समूह है, एक ही टोली है। अगर मैंने लिख दिया कि वहां पे क्या है पांच टोलियां हैं, टोलियां, तब तो ये बहुवचन हो गया। लेकिन मैंने क्या लिखा टोली, यानी वो एक टोली है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, एक टोली और पांच टोली से आप समझ सकते हैं, एक टोली और टोलियां पांच टोलियां से आप इसको समझ सकते हैं कि टोली यानी वहां पे क्या है समूहवाचक संज्ञा है। लेकिन कितनी टोली है, मैंने सिर्फ यहाँ पे टोली लिखा है यानी वहां पे एक टोली होगी, जनता लिखा है तो वहां पे क्या है एक समूह है केवल जनता का। तो ये शब्द इसलिए यहाँ पे एकवचन में प्रयोग किए जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति तो हमेशा सदैव एक ही होता है, जैसे राम हो गया श्याम हो गया एक व्यक्ति है, तो ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं, तो एक वचन संज्ञा के ये उदाहरण हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देशों के नाम, तो जितने भी देशों के नाम होते हैं भारत अमेरिका, क्योंकि देश का नाम एक ही नाम होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा एक वचन हो जाएगा। ग्रह हो गया माह दिन महासागर, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों ये यहाँ पे एक वचन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, सारे के सारे एक वचन होते हैं। क्योंकि जैसे मंगलवार ये दिन है तो मंगलवार एक ही दिन होता है, मंगलवार बहुत सारे नहीं होते हैं, एक से अधिक नहीं होते हैं, तो इसलिए ये एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। माह में देखोगे तो जनवरी, जनवरी एक ही माह है, जनवरी अनेक माह नहीं है, तो इसलिए इसका प्रयोग भी एक वचन में ही होता है। तो ये यहाँ पे आपको 6 पॉइंट आपको नोट करने हैं, और जहां पे ये 6 पॉइंट आ जाते हैं वहां पे आपको देखना है कि वहां पे एकवचन है कि नहीं है। उसके बाद बहुवचन का प्रयोग की पहचान आपको कैसे करनी है, तो जहां पे क्या होगा आदरणीय या सम्मानीय व्यक्तियों के लिए सदैव किसका प्रयोग होता है बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा गांधी जी चंपारण आए, गांधी जी चंपारण आए, तो गांधी जी तो हैं एक व्यक्ति, ठीक है गांधी जी क्या है एक व्यक्ति हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है आदरणीय है ये सम्मानित व्यक्ति हैं, तो इसलिए यहाँ पे गांधी जी लिखा गया है। यहाँ पे अगर मैं सीधे लिखता कि गांधी चंपारण आए, तब तो गांधी यहाँ पे क्या होता, तब तो यहाँ पे गांधी हो जाएगा, गांधी का मतलब यहाँ पे वो एक व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पे हमें जो गांधी जी वो एक आदरणीय और सम्मानीय व्यक्ति है, इसके लिए इनके लिए गांधी जी का प्रयोग किया गया, और गांधी जी इसलिए क्या हो जाएगा बहुवचन हो जाएंगे। तो आदरणीय सम्मानीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। शास्त्री जी हो गया, उस प्रकार से गुरु जी, तो गुरु जी भी क्या एक सम्मानित शब्द है। पापा जी हो गया, शिवाजी हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं जिनके लिए आदरणीय या सम्मानीय जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए जब भी हम प्रयोग करेंगे, उनके जब नाम लेंगे तो उनके अंत में जी लगाएंगे और एक सम्मानित तौर पर उनको हम क्या करेंगे मतलब संबोधित करेंगे।
तो उनके लिए बहुवचन का सदैव प्रयोग किया जाता है। तो गांधी जी हो गया, शास्त्री जी, गुरु जी, पापा जी, शिवाजी, ये सारे के सारे बहुवचन के उदाहरण हैं। कुछ ये शब्द हैं यहाँ पे दिए गए हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होंगे। अब यहां से प्रश्न बनते हैं, आंसू ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, प्राण पूछा जाता है, प्राण। अब जैसे प्राण आप देखोगे उसके प्राण उड़ गए, तो प्राण यानी वो बहुत सारे, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे हैं, ठीक है, आंसू आ रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इन शब्दों का प्रयोग, ये शब्द आपको नोट करने होंगे दोस्तों, दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, अक्षत, हो, समाचार, ये सारे के सारे जो शब्द यहाँ पे दिए गए ये सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, अधिकांश आपने सुना होगा कि उसके आंसू गिर रहे हैं, यानी वो बहुत सारे हैं आंसू, गिर रहा है आंसू। तो एक आंसू किसी का गिरता नहीं है वैसे, बहुत कम गिरता है और हम कम ही प्रयोग करते हैं। लोग वहां पे, तो लोग का मतलब उसमें बहुत सारे लोग होंगे, एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति को हम लोग तो कहेंगे नहीं, तो बहुत सारे लोग हैं यानी वो बहुवचन है। अक्षत हो गया, होश, समाचार, समाचार भी क्या होते हैं, एक समाचार तो होता नहीं, बहुत सारे समाचार हो सकते हैं, तो ये बहुवचन हो गया। हस्ताक्षर बहुवचन हो गया, अश्रु आशीर्वाद, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो अभी तक तो हमने यहाँ पे पहचान की बात की कि एक वचन की पहचान कैसे करनी है और बहुवचन की पहचान कैसे करनी है। अब बात करते हैं कि एक वचन से बहुवचन बनाने के जो नियम है, किस प्रकार से हमें एक वचन से बहुवचन बनाना है। तो इधर ये एक वचन दिया गया है और इधर ये बहुवचन दिया गया है। तो नियम वन क्या कहता है कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर अगर हम ए लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो एक वचन से बहुवचन हो जाएगा। लेकिन होना क्या चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए। तो जैसे लड़का, अकारांत मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था, अकारांत यानी जिसके अंत में क्या लगा होता है, बड़ा आ लगा होता है। तो लड़का, घोड़ा, बेटा, ये क्या है, ये है एक वचन। और अकारांत की जगह हमने आ के स्थान पर ए लगा दिया, यानी लड़का का हमने कर दिया लड़के, तो ये बहुवचन हो गया। यानी आ के स्थान पर ए लगाते हैं तो एक वचन का वो बहुवचन हो जाता है। घोड़ा से बन गया घोड़े और बेटा से बन गया बेटे। उसी प्रकार से अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाने से क्या होता है, वो बहुवचन में बदल जाता है। अभी अकारांत यानी छोटा आ होगा अंत में, तो जिस देखो रात, तो इसमें भी अगर आप ए लगाओगे, लेकिन ये क्या शब्द होने चाहिए, स्त्रीलिंग होने चाहिए। तो रात, आंख, पुस्तक, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं और इसमें अगर आप ए लगाओगे, रातें हो जाएगा बहुवचन हो जाएगा, आंखें हो जाएगा बहुवचन, पुस्तकें हो जाएगा बहुवचन। तो अगर पुल्लिंग शब्द है और अकारांत है तो उसमें अगर ए लगाओगे तो वह बहुवचन में बदल जाएगा। स्त्रीलिंग अकारांत शब्द है यानी छोटा आ है अंत में और उसमें ए लगाओगे अंत में तो वो बहुवचन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे गुड़िया, चुहिया, डिबिया, ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब इस या के ऊपर अगर आप चंद्र बिंदु लगाते हो, ये वाला, तो देखो गुड़िया, चुहिया, डिबिया, तो ये सारे के सारे बदल गए बहुवचन में। तो स्त्रीलिंग संज्ञा जो होती है और उसके अंत में अगर या आता है तो वो यहाँ पे क्या है, और उस या के ऊपर अगर चंद्रबिंदु लगाया जाए तो वो बहुवचन में बदल जाएगा। उसी प्रकार से चौथा यहाँ पे जो नियम है वो है इकरांत शब्द। इकरांत यानी जिसके अंत में ई लगा हुआ है। अब ये छोटा ई है यहाँ, अच्छा ई है इस ई, ठीक है, हाँ इकरांत है। इकरांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई या ई के स्थान पर ईया लगाने से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो बहुवचन में बदल जाएगा। इकरांत का मतलब होता है अंत में ई होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे तिथि, तो तिथि का हम बहुवचन में बदलना है तो यहाँ पे अंत में क्या लगाना होगा, ईया लगाना होगा, तिथियां हो जाएगा बहुवचन। नारी, तो नारी धन ईया, नारियां, गति धन ईया, गतियां, और थाली धन ईया, तो थालियां, ये क्या हो जाएगा, बहुवचन में बदल जा रहा है। तो इकरांत जो स्त्रीलिंग शब्द है उसके अंत में ईया लगाने पर वो बहुवचन में बदल जाता है। उसके बाद पांचवा यहां पे, अभी देखो हम एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम पढ़ रहे हैं, फिर
बहुवचन से एक वचन कैसे बनाना है ये भी हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। तो जैसे यहाँ पे अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन जो संज्ञा है इसके अंत में अगर हम ए लगाएंगे ए, ठीक है, तो वो बहुवचन बन जाता है। अकारांत यानी जिसके अंत में बड़ा वाला आ है लेकिन वो शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है। तो शाखा कामना माता भुजा ये एक वचन है, अंत में अकारांत शब्द लगा हुआ है, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो इसके अंत में ए अगर आप जोड़ते हो तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, शाखाएं कामनाएं माताएं और भुजाएं। तो ये तो पांचवा नियम था। अब ये सारे के सारे नियम आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे दोस्तों उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, उतना ज्यादा आप इसको याद कर पाओगे और याद रख सकोगे। फिर नेक्स्ट यहां पे इकरांत स्त्रीलिंग शब्दों में यहां लगाने से, तो जैसे ये इकरांत यानी छोटी ई है अंत में, अगर यहां लगाओगे तो जातियां हो जाएगा, रीतियां, यहां लगाओगे तो रीतियां हो जाएगा, नदियां और लड़कियां, तो ये बहुवचन में बदल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सातवां नियम उकरांत और उकरांत यानी जिनके अंत में क्या है छोटा ऊ और बड़ा ऊ है, अगर उन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाते हैं तो वो भी बहुवचन में बदल जाते हैं एकवचन से बहुवचन। वस्तु, गो, बहु और वधु ये एकवचन है। तो अब देखो यहाँ पे वस्तु से हो जाएगा वस्तु ए लगाए ना हमने, गो से हो जाएगा गो ए, और बहु से हो जाएगा बहु ए, और वधु से हो जाएगा वधु ए। तो वस्तु का बहुवचन हो गया वस्तुएं, बहु का हो गया बहुएं, गो का हो गया गोएं और वधु का हो गया वधुएं। यानी अंत में हमने उकरांत और उकरांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाया और वो बदल गया बहुवचन में। आठवां नियम क्या कहता है, संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूप में गण, वर्ग, जन, लोग और वृंद, दल आदि शब्द जोड़कर भी शब्दों का बहुवचन बनाया जाता है। जैसे आप लोग हो गया, स्त्रीजन हो गया, नारी वृंद, या नारी दल हो गया, ठीक है, नारी तो सिंगल है और नारी दल यानी वो नारियों का दल हो गया, बहुवचन हो गया। तो ये कुछ नियम थे दोस्तों यहाँ पे, और सिंपल से नियम है, ज्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं है क्योंकि कुछ आपको याद रखने हैं और याद भी है तभी आप रख पाओगे जब आप प्रैक्टिस कर पाओगे।